हम खोलेंगे OLX। आप सबके पास OLX है, आप सबको OLX का पता है, बहुत मजा आने वाला है आप सबको इंशाल्लाह ताला। आप जल्दी जल्दी से मुझे जवाब दे, सबको पता है जी OLX का। OLX एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे सेकेंड हैंड चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, हर गन बिक जाता है, कुछ ना कुछ लगाओ तो वो बिक जाता है। याद रखना ई कॉमर्स की में बहुत सारी किस्में हैं, B2B, B2C, और उसके बाद C2C, ठीक है, C2B, ये डिफरेंट इस वक्त जो है ना इसमें है। B2B वो है कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ करता है, फॉर एग्जाम्पल NetSol एक ऑनलाइन वेबसाइट अपना सॉफ्टवेयर बेचती है बाहर की कंपनीज को, तो वो B2B हो जाता है। फिर होता है B2C, लाइक अलीबाबा बेचता है कस्टमर्स को, वो है बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस की पहली एग्जाम्पल, बिजनेस टू कस्टमर की दूसरी एग्जाम्पल, तीसरी आ जाती है यहाँ पे C2B होता है, यानी कि कस्टमर आपको बेचता है बिजनेसेस को, वो होता है अपवर्क, फीवर्क। अगर किसी ने इससे पहले फीवर की क्लास दी है तो आपको पता होगा कि फीवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कस्टमर आता है अपनी सर्विसेज डिफरेंट बिजनेस को बेचता है। और एक होती है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। OLX C2C ऑफ ई कॉमर्स में आती है। मैंने चार आपको अभी चीजें बताई हैं, ठीक है, फिर से वापस आते हैं। सबसे पहली क्या है जी, B2B, ठीक है जी। सेकेंड है जी B2C, तीसरी है जी C2B, और चौथी है C2C। B2B की एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है और दूसरी कंपनी को बेचती है, उसे कहते हैं हम B2B, बिजनेस टू बिजनेस। सेकेंड आता है B2C, जबरदस्त अलीबाबा, जबरदस्त नमान के लिए क्लैपिंग। और थर्ड हमारे पास आती है C2B, कस्टमर से बिजनेस, यानी कि अपर फीवर, जहां पे आप अपनी सर्विसेज बेचते हो, जबरदस्त। और आ गया C2C, वो कौन सा हो गया, 1, 2, 3 OLX, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तमाम स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग, जबरदस्त। तो हम इस वक्त आपको जो मजा चकाना लगे हैं ई कॉमर्स का, वो है C2C। मैंने आपको पहले बताया था हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हमें प्रैक्टिकल करने हैं। आप हैदर गाजी के स्टूडेंट हो, आप सबको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाना है, ठीक है। तो OLX की वेबसाइट पकड़ते हैं, सबसे जबरदस्त वेबसाइट है, कोई भी हम इस पे ऐड लगा सकते हैं, कोई भी चीज पे बेच सकते हैं। तो हम इस टाइम पे वो तमाम प्रोडक्ट्स जो इस वक्त आप लेके आए हो, हर बंदा अपने उस प्रोडक्ट का OLX पे ऐड लगाएगा और उसकी एक कीमत सेट करेगा और मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक बताएगा कि क्या रिस्पॉन्स आया है। आई रिपीट, हर बंदा जो आज चीजें लेके आया है उसकी खूबसूरत तस्वीर खींचेगा, OLX पे जाके ऐड लगाएगा। अगर किसी को ऐड नहीं लगाने आता तो मैं लाइव आपको दिखाता हूं, नजर आ रही है मेरी स्क्रीन तमाम स्टूडेंट्स को, जी सर, जबरदस्त। तो हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे जाके सबमिट का ऐड का बटन दबाएंगे, बहुत आसान स्टेप्स है, स्पेशली दोज फीमेल्स। देखिए आपको घर बैठे बैठे ये काम करना है, आपको कहीं पे नहीं जाना, इस असाइनमेंट में आपको कुछ ऐसा नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई मुशक्कत नहीं करनी। जो भी चीज आपके पास पड़ी है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो पुरानी है, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, चाहे वो टूटी हुई है, चाहे वो फूटी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आज एक मौज मस्ती करने के लिए आपने वो प्रोडक्ट उठानी है और उस प्रोडक्ट को आके OLX पे लगाना है। I have some internet problem. यहाँ पे ये लोड नहीं हो पा रही, होगी लोड, जबरदस्त। आप मैंने बटन दबाया, क्या किया जी, मैंने सिंपल सा काम किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं OLX की वेबसाइट पे गया, फिर से जाऊंगा मैं OLX की वेबसाइट पे गया, मेरे साथ साथ रहिएगा, अपनी आंखों को बिल्कुल स्क्रीन पे लगाइएगा, जिसको समझ नहीं आ रही फौरी तौर पे वो सवाल उठाएगा और लेक्चर वो आगे नहीं जाने देगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इमरान शेख ने 7 मिनट के अंदर अंदर मुझे रोक देना है, मुझे जल्दी से आपको ये सारा स्टेप बताना है, इसकी अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज करनी है। olx.com.pk पे हम गए और उसके बाद मैंने जाते साथ ही यहाँ सबमिट एड का बटन दबा दिया। सबमिट एड का मैं जैसे ही बटन दबाता हूँ, मुझे वहां पे वो डिटेल पूछना शुरू हो जाता है। अब याद रखना, एड लगाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, खूबसूरत सी चीज लिखना है, लाइक फॉर एग्जांपल लिपस्टिक है, ठीक है, तो मैं इसका टाइटल बहुत ही यूनिक रखूंगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिस कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, लोग गाड़ी सबसे ज्यादा देख रहे होते हैं और बाकी चीजें सबसे ज्यादा देख रहे होते हैं, तो टाइटल ऐसा रखो कि उसमें आप लोग सर्च में हर जगह आना स्टार्ट हो जाओ। तो एड टाइटल रखना है दुनिया की, लेट सपोज
की सबसे नायाब लिपस्टिक। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी अटेंशन इस वक्त थोड़ी सी उस पर जाएगी। अब वो पूछ रहे कि किस कैटेगरी में आता है, तो फैशन एंड ब्यूटी की कैटेगरी में आ जाता। ठीक है, मेकअप की एक्सेसरीज में आ जाता। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में आप 10-15 कम से कम आपने 10-15 लाइनें लिखनी है। ये लाइनें लिखने के बाद आपको आपके पास एक, जितनी ज्यादा आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे उतना ज्यादा वो आएगा। यहाँ पे प्राइस लिख दें जी, ठीक है जी, प्राइस हमने डाल दिया जी 400, 200, 300, 250, 150, जो आपका दिल करे आप लिख दो, 1000 लिख दो। ठीक है, न्यू है, यूज्ड है, आपने लिख देना है। यहाँ पे तस्वीरें आपने अपलोड करनी, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई तस्वीर अपलोड करता हूँ कहीं से भी जाकर, ये जी मैंने लिपस्टिक की तस्वीर लगा दी, लिपस्टिक नहीं है लेकिन मैंने चले फिर भी कोई ना कोई तस्वीर लगा दी, नाम आ गया, नंबर आ गया, प्रवेंस वगैरह एरिया आपने डाला, और यहाँ से सबमिट कर देना। किसी स्टूडेंट को अभी कोई मुश्किल हुई है इसमें प्रोसेस को समझने में, क्या कोई बच्चा मुझे इस टाइम यहाँ ये कह सकता है कि मैं ओएलएक्स पे ऐड नहीं लगा सकता, फौरी तौर पर बताएं। अभी आउट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करने की सितारा बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप इस एक्टिविटी का मजा लें। बहुत सारी एक्टिविटी आगे आने वाली है, ये तो बिल्कुल पीनट्स है। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस वक्त ओएलएक्स पे ऐड नहीं लगाने आता, ग्रेट। तो आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में अपना एड बकायदा दिखाना है, शेयर करना है, अपने लिंक्स रेडी रखिएगा। हर एक के एड के ना एक लिंक होता है, वो लिंक हर बच्चा यहाँ शेयर करेगा, मैं हर बंदे का वो एड देखूंगा। ठीक हो गया, इसके बाद ये एक्टिविटी तो वो है कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं आपसे ये एक्टिविटी अभी फन के लिए नहीं करवाना चाह रहा। ये तो आप एड लगाएंगे और मुझे रिस्पॉन्स बताएंगे, लेकिन मैंने आपको ये कहा ना, मैंने आपको जरा ई कॉमर्स का मजा चखाना है, कहा था ना मैंने आप सबसे, कहा था कि नहीं कहा था? अब ई कॉमर्स का मजा लेने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम एक बहुत ही अजीब गेम खेलेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस वक्त ओएलएक्स पे वापस जाएंगे। ठीक हो गया, सबसे ज्यादा ओएलएक्स पे दो चीजें देखी जा रही है, वो मोबाइल फोन है और दूसरा गाड़ी। ठीक है, आप इन दोनों एड में से मुझे नहीं पता कौन सा, गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह कोई भी उठा ले, मोबाइल फोन और गाड़ी, हम चलते हैं मोबाइल फोन पे। मोबाइल फोन पे सॉरी जाके आपने अपना शहर सेलेक्ट करना है और उसके बाद देखना है कि कौन सा मोबाइल फोन ऐसा है। अच्छा, अब मुझे फौरी तौर पर बताएं, अगर आप में से किसी को मोबाइल फोन अगर मिले तो आप कौन सा मोबाइल फोन लेना चाहेंगे ओएलएक्स से? जल्दी 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 बताएं, जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, 4 मिनट रह गए हमारे पास। ओप्पो आईफोन एक्स, वन प्लस 60 ओप्पो, सैमसंग नोवा 3, नहीं मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि हम एक एड लगाते हैं आईफोन एक्स का, देखते हैं कि जी इस वक्त आईफोन एक्स हमारे पास कितने का मिल रहा है। हमें मोबाइल कैटेगरी में चले गए, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, अगर तेज चल रहा होता तो हमें बहुत मजा आता, हम बड़ी जल्दी जल्दी चीजों को जाके देख लेते और हम टाइम पे फ्री हो जाते। मोबाइल फोन की कैटेगरी के अंदर हम गए, मोबाइल फोन पे मैंने लिखा जी आईफोन, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ लेट सपोज आईफोन 5S के बेचारे बहुत ज्यादा लोग होंगे, या आईफोन सिक्स कर लेते हैं। सुने करना क्या है, बहुत मजा आएगा आपको, सुनते जाए आपने करना क्या। देखिए 19,000, 17,000, 16,000, 28,000, ठीक है, और इसके अलावा जी 32,000, 32,000, 30,000, 32,000, 15,000। देखिए आपकी नजर ऐसे कितना 15,000 पे एक मिनट के लिए रुकी होगी, 14,000 इस पे रुकी। स्टूडेंट्स आपने अब क्या करना है, आपने 2 से 3 एड लगाने हैं। एक आप लगाएंगे आईफोन एक्स का, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स लगाएंगे, मुझे नेक्स्ट दिखाएंगे, आईफोन सिक्स का लगाएंगे एड, और आप कीमत रखेंगे 8,500, और उसके बाद उस एड में लिखेंगे कि मैं अर्जेंटली बेच रहा हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं जल्दी से बेचना चाह रहा हूं, जो बंदा पहले रब्ता करेगा वो ये ले जाएगा। अच्छा ये तो खराब है, देखिए फिंगर नॉट वर्किंग, फैक्ट्री अनलॉक, ये तो इतने का ही बिकेगा। आपने क्या करना है, एक फेक एड लगाना है, उस फेक एड पे आपने ये आपने कीमत रखनी है जी उसकी 9,950, 10,000, यानी कि इस तरह से जो कि किसी के भी मुंह में पानी एकदम से ले आए। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये एड लगा के छोड़ देना है
और एक दिन तक लगा के इसको फौरी तौर बंद कर देना, और तमाम स्टूडेंट्स मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कितने लोगों ने उनसे रابطे किए, किस तरीके से। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो एक्टिविटी है ना, इसको सिर्फ आपको दिखाना है कि आवाम कैसे पागल हो जाती है एक चीज के लिए, जो चीज आप उसको अच्छी, खूबसूरत, यूनिक और सस्ते में दे देते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ई कॉमर्स आखिर चलता कैसे है। कस्टमर खुद आपसे राबता करेगा, कस्टमर खुद आपको मैसेज करेगा, कस्टमर खुद आपको ऑनलाइन जो है ना आपको मैसेज करेगा। यहाँ पे मैसेज के भी होता है, आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करो और सिर्फ ये करना है। तो आपने क्या करना है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स में जल्दी से बताएं, पहला काम आपने ये किया कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उसका एड लगाए, आप उसका एड लगाएंगे लेकिन एक्चुअली आपको उस पर इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बिकॉज हर बंदे का यूनिक लोग ऐसे होंगे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल नुमान है, उसे जिम आइटम्स यहाँ पे बेचे हैं तो उनको बहुत मजा आएगा। तो वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम इस चीज को, एक्टिविटी को कर रहे हैं, उनको एक फेक एड लगाना है, एक अपना एड लगाना है, एक फेक एड लगाना है। फेक एड में यहीं से पिक्चर्स उठा लेनी है आईफोन 6 की और पिक्चर्स लगा के कीमत कम रखनी है, ताकि आप देख सकें कि कस्टमर आपको कैसे रब्ता करता है और आप कुछ भी बेच सकते हो। ठीक हो गया? तो हमारे चार चीजें यानी B2B, B2C, C2B और C2C, उसमें से C2C की ये एक्टिविटी है। C2C में आप कैसे आसानी से इस चीज को लगा के बेच सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपने एक्टिविटी करनी है। तो तमाम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में ये एक्टिविटी करके लाएंगे।